हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जीके 99। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए 50 इंपॉर्टेंट झारखंड जीके। ये हमारा पार्ट वन है। आप लोग जानते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है, उसमें 50 झारखंड जीके पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है, मुगल काल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था? मुगल काल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था? आंसर होगा आपका कुकरा। अगला सवाल, झारखंड का प्रसिद्ध परसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड का प्रसिद्ध परसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका जमशेदपुर में। अगला सवाल, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? आंसर होगा आपका 1769 में। अगला सवाल, झारखंड का प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? झारखंड का प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। अगला सवाल, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका देवघर में। अगला सवाल, झारखंड में दशम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? झारखंड में दशम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? आंसर होगा आपका कांची नदी। अगला सवाल, झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता ने विश्व युवा चैंपियनशिप को कब जीता था? आंसर होगा आपका 2000 ईस्वी में। दीपसेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल, झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर होगा आपका 1990 ईस्वी में। अगला सवाल, लोहा ऐश के भंडार में झारखंड का स्थान कितना हुआ है? लोहा ऐश के भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना हुआ है? आंसर होगा आपका दूसरा। अगला सवाल, वर्ष 1914 में जतरा उराव द्वारा शुरू किया गया आंदोलन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा आपका ताना भगत आंदोलन। अगला सवाल, किउल नदी को झारखंड के किस जिले से निकलती है? किउल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? आंसर होगा आपका गिरिडीह जिले से। अगला सवाल, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर होगा आपका 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उसकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा आपका ओलोनबाहा के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, ओडिशा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था कब? आंसर होगा आपका 13वीं सदी में। ओडिशा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कब किया? 13वीं सदी में। अगला सवाल, कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितना घंटा उपवास रखते हैं? आंसर होगा आपका 24 घंटे। कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितना घंटा उपवास रखते हैं? 24 घंटे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। अगला सवाल, सभी 3 ICC की प्रमुख ट्रॉफी अर्जित करने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? आंसर होगा आपका महेंद्र सिंह धोनी। सभी 3 ICC के प्रमुख ट्रॉफी अर्जित करने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगला सवाल, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाव क्या है? झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाव क्या है? आंसर होगा आपका छुरानागपुर का पठार। अगला सवाल, चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? आंसर होगा आपका अप्रैल महीने में। अगला सवाल, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? झारखंड सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? आंसर होगा आपका 2016 में। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? आंसर होगा आपका जमशेदपुर। अगला सवाल, ईशांग जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? ईशांग जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा आपका क्रिकेट। अगला सवाल, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? आंसर होगा आपका मेसोलिथिक युग से। अगला सवाल, झारखंड के प्रसिद्ध टैगोर हिल्स को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका मोरहाबादी पहाड़ी के नाम से। अगला सवाल, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है?
आंसर होगा आपका रांची में। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? रांची में। अगला सवाल, झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन किया है? आंसर होगा आपका देवघर में। देवघर में आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल, मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल समिट 2017 का कहाँ आयोजन हुआ था? मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल समिट 2017 कहाँ हुआ था? आंसर होगा आपका रांची में। अगला सवाल, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका गोमिया। गोमिया किस जिले में है? बोकारो जिला में। अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए किसने दोहरा शतक लगाया था? रणजी ट्रॉफी 2016 के मैच में झारखंड के लिए किसने दोहरा शतक लगाया था? आंसर होगा आपका ईशान किशन ने। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल, 2016 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2016 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा आपका सिमोन उराव को। अगला सवाल, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में कौन से छोरनागपुर के कबीलों ने भाग लिया? आंसर होगा आपका हो एवं मुंडा जनजाति ने। अगला सवाल, अल्बर्ट इक्का को मरो उपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट इक्का को मरो उपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा आपका परमवीर चक्र। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थान पर लोहा ऐश के खदान स्थित है? आंसर होगा आपका सिंहभूम में। झारखंड के किस स्थान पर लोहा ऐश खदान स्थित है? सिंहभूम में। अगर जगह की बात बोले तो हो जाएगा आपका चिड़िया में स्थित है। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? आंसर होगा आपका रांची। अभी जस्ट आपको पहले पढ़ाए थे कि टैगोर पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अभी क्या पढ़ाएँ, किस किस को याद है देखते हैं। अगला सवाल, ONGC द्वारा शुरू किया गया पहला मिथेन गैस कुआं झारखंड में कहाँ स्थित है? ONGC द्वारा शुरू किया गया पहला मिथेन गैस कुआं झारखंड में कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका पर्वतपुर। अगला सवाल, झारखंड की एक प्राचीन संस्कृति विरासत कौन सी है? झारखंड की एक प्राचीन संस्कृति विरासत कौन सी है? आंसर होगा आपका छव नृत्य। अगला सवाल, ओलोन बहा किताब जोवा मुर्मू की कौन सा संग्रह है? ओलोन बहा जो किताब है जिसका लेखक है, लेखिका है जोवा मुर्मू, यह क्या है? तो आंसर होगा आपका लघु कथाएं। अगला सवाल, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन था? आंसर होगा आपका सामाजिक सुधार आंदोलन। अगला सवाल, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आंसर होगा आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? आंसर होगा आपका 1908 ईस्वी में। अगला सवाल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर होगा आपका काली मिट्टी। अगला सवाल, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला सवाल है आपका, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण किस जिले में है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण जो है यह किस जिले में है? आंसर होगा आपका कोडरमा जिले में। अगला सवाल, झारखंड का खेल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? झारखंड का खेल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा आपका जमशेदपुर। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में रामरेखा मेला का आयोजन किया जाता है? झारखंड के किस जिले में रामरेखा मेला का आयोजन किया जाता है? आंसर होगा आपका सिमडेगा में। अगला सवाल, जामताड़ा जिले का निर्माण किस जिले से किया गया? जामताड़ा जिले का जो निर्माण किया गया था किस जिले के विभाजन से किया गया है? आंसर होगा आपका दुमका। अगला सवाल, झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर होगा आपका 1950 ईस्वी में। अगला सवाल, झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? आंसर होगा आपका जयपाल सिंह मुंडा ने। अगला सवाल, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? आंसर होगा आपका शिबू सोरेन द्वारा। अगला सवाल, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब किया गया?
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना? आंसर होगा आपका 1967 ईस्वी में। अगला सवाल, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण देती है? आंसर होगा आपका 2%। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण देती है? 2%। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, मैथन बांध किस जिले में है? मैथन बांध किस जिले में है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।